बाबा विश्वनाथ कैलाशी आश्रम गायमुख देवस्थान तुमसर में प्रखर कथा वाचक रूपलाल महाराज के वाणी में संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 12 से 18 नवंबर तक संगीत में श्री भागवत कथा रूपलाल महाराज के वाणी में सुनाई जाएगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12 से 5 बजे तक होगा। शुक्रवार को सुबह शोभा यात्रा निकालकर इस संगीत में भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रूपलाल महाराज की वाणी में श्री भागवत कथा सुनकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए, जिससे संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो चुका था। ये हमारे संस्था हमारे कैलाशी आश्रम के माध्यम से यहाँ पर गायमुख देवस्थान में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे प्रखर और प्रसिद्ध भागवत कथाकार रूपलाल जी महाराज हरिद्वार वाले, उनके माध्यम से कथा का रसपान किया जाएगा। और हमारे जो गायमुख के जो महात्मा थे, हमारे जो बाबा जी थे, उनका मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार 19/11/2021 को 2:40 पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएंगी। और भागवत कथा का समय जो है हमारा वो 12 से 5 बजे तक का है। और आज प्रथम दिवस के उपलक्ष में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और शोभा यात्रा के आयोजन में यहाँ पर सभी कलश यात्रा वगैरह सभी निकलेंगी, उसके साथ में भागवत कथा का आयोजन होगा और रोज महाप्रसाद का भी लाभ लोग लेंगे। इस कथा का आयोजन कैलाशी आश्रम गायमुख देवस्थान के द्वारा किया गया है। इस कथा में हमारा एक ही उपदेश है कि कथा का रसपान सभी ग्रामीण विभाग के लोग है, और ये ग्रामीण विभाग में ये एरिया हमारा गायमुख देवस्थान तालुका तुमसर में आता है, तो इस क्षेत्र के माध्यम से हम इस भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है।